नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एवरग्रीन स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे सूक्ष्म शिक्षण में प्रस्तावना कौशल की। प्रस्तावना कौशल आप जब भी प्रेजेंट करने जाओ, मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है प्रस्तावना कौशल की, अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार उन्हें जरूर देखें। प्रस्तावना कौशल आप जब भी देने जाओ, सबसे पहले आपको बोर्ड मेंटेन करना है। बोर्ड मेंटेन कैसे करना है आप अब तक सीख गए होंगे। सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक 27 सितंबर 2018। इसके नीचे आप जस्ट लिखोगे विषय। विषय आपने लिख दिया गणित। कौशल आप कौन सा कर रहे हो? कौशल अपने कर रहे हैं प्रस्तावना कौशल। कौन सी कक्षा को पढ़ा रहे हो? कक्षा 6 कलास 3rd और समयावधि। पांच से सात मिनट, ये हो गया कंप्लीट। इसके नीचे लिखते हैं प्रकरण, यानी कि अपने आज का टॉपिक क्या है। और बहुत बार बता चुका हूं, बहुत सारी वीडियो बना दी है, टॉपिक अपने नहीं लिखते हैं। और टॉपिक कब लिखते हैं? जब बच्चों से प्रश्न पूछते हैं उसके बाद टॉपिक लिखते हैं, और टॉपिक आउटलाइन हमेशा करते हैं। सबसे पहले बच्चों से क्वेश्चन कौन सा पूछना है? बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछना है। आज अपने कौन से टॉपिक पे आ रहे हैं देखेंगे। सबसे पहले बच्चों से प्रश्न पूछिए, जो बच्चों को पता होगा। आप पढ़ने के लिए कहां जाते हो? आंसर आ जाएगा दोस्तों स्कूल, विद्यालय। कहां जाते हो आप पढ़ने के लिए? आप स्कूल जाते हो या विद्यालय जाते हो? स्कूल में आप कहां बैठते हो? कक्षा के अंदर बैठते हैं, सिंपल। कक्षा में कौन पढ़ाता है? सबसे पहले बच्चों से आंसर आ जाएगा, उस आंसर को अपने आगे आगे लेते जाना है। कक्षा में कौन पढ़ाता है? आंसर आ जाएगा अध्यापक। कौन पढ़ाता है? अध्यापक पढ़ाता है। अध्यापक लेखन कार्य किस पर करवाते हैं? सिक्स क्लास के बच्चे पढ़ा रहे हैं, स्लेट पे तो करा नहीं रहा। श्याम पट, ब्लैक बोर्ड। अगर स्लेट पे भी करा रहा है तो भी अपना आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट करना है। पांचवें और छठे क्वेश्चन में अपने टॉपिक पे, पांचवें क्वेश्चन पे तो हर आदमी टॉपिक पे आ ही जाना है, या चौथे पे आ जाइए या पांचवे पे आ जाइए, क्योंकि पांच से छह क्वेश्चन ही होने हैं। या तो आपका पांचवा समस्यात्मक होगा, नहीं तो आपका छठा समस्यात्मक होगा। जो श्यामपट है, श्यामपट की आकृति कैसी होती है? सिक्स क्लास का टॉपिक है। मैं भी बच्चे ने आयत का नाम सुन रखा है, मैं भी नहीं सुन रखा। अगर आंसर आ जाता है आयताकार तब तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुट कर दीजिए, आयत के बारे में आप क्या जानते हैं? डायरी के अंदर इस लास्ट क्वेश्चन को लिख दीजिए समस्यात्मक। अगर आप पढ़ा रहे हो और आयताकार आपका आंसर नहीं आ रहा, तो आप यहीं से बच्चे को आंसर बता दीजिए कि श्यामपट की आकृति होती है वो कैसी होती है? आयताकार होती है। और आज हम आयत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, और इस टॉपिक को कर दीजिए आप अंडरलाइन। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।